डिस्पर्सिव पावर है, अगर आप एंगुलर डिस्पर्शन को लें, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम एंगल के डिफरेंस को लें, और इसको सभी कलर्स की मीन डेविएशन से डिवाइड कर दें, डेल्टा का मतलब सभी कलर्स की मीन डेविएशन, कभी कभी येलो कलर के डेविएशन को भी बोल देते हैं, तो मीन डेविएशन से डिवाइड करें, तो ये जो रेशियो आएगी इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर ओमेगा। ये हमने लेंस के लिए भी लास्ट टाइम डिस्कस की थी, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा क्या थी, जिसका फॉर्मूला मुझे याद है डी म्यू बाई म्यू माइनस वन कुछ ऐसा आता था। तो ये टर्म आ गई। अब वॉयलेट और रेड कलर का डिफरेंस हम एंगुलर डिस्पर्शन अभी भी निकाल चुके हैं, म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए, और मीन कलर के लिए म्यू माइनस वन इंटू ए, ए से ए क्या हो जाएगा कैंसल, क्योंकि आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, न्यूमिनेटर अभी हमने कैलकुलेट किया था ये था, और डिनोमिनेटर ये है, यहाँ से ये क्या हो गया कैंसल। तो इसमें म्यू वॉयलेट का ये रेड का, ये म्यू किसका, एवरेज। एवरेज कैसे निकलती है, वॉयलेट कलर एक्सट्रीम है, रेड कलर एक्सट्रीम है, डिवाइडेड बाय टू, और कभी कभी येलो लाइट के कॉरस्पॉन्ड करती है ये। तो अगर आपको दोनों वेवलेंथ जो दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेवन है और मीन निकालना है तो उसका मीन ऐसे निकलेगा। तो इसको चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं रेड और वॉयलेट का अपॉन म्यू माइनस वन। तो फॉर्मूला नोट करो डिस्पर्सिव पावर, और याद करो लेंस के डिस्पर्सिव पावर का भी एग्जैक्टली यही फॉर्मूला था जिन्होंने फॉर्मूला बुकलेट में नोट किया, डी म्यू बाय म्यू माइनस वन।